हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बिलियन यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का देखेंगे जो कि हमारे अभ्यास प्रश्न का चौथा प्रश्न है। क्वेश्चन 1.4 है और क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जली बिलियन है। यदि इस बिलियन का घनत्व 1.504 ग्राम पर एमएल हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको जरूरत होगी मोलरता के फार्मूले की, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। अब यदि हमारे क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या दिया गया हो और बिलियन का आयतन लीटर में दिया गया हो तो कोई परेशानी नहीं होती, हम दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते और कैलकुलेशन कर देते और हमको बिलियन की मोलरता प्राप्त हो जाती और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न तो हमको विलेय के मोलों की संख्या दी गई है, न तो विलयन का आयतन दिया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि क्वेश्चन में कोई ऐसा तरीका दिया गया होगा जिससे हम इन दोनों को प्राप्त कर पाएंगे, विलेय की मोलों की संख्या को और विलयन के आयतन को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि जो नाइट्रिक अम्ल है इसका जली बिलियन द्रव्यमान की दृष्टि से 68% जली बिलियन है। यानी कि दिया गया है कि नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान की दृष्टि से 68% जली बिलियन है। यहाँ पर दोस्तों, द्रव्यमान की दृष्टि से जो लिखा गया है इसका अर्थ है कि यहाँ पर बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता दी गई है, जिसका सिंबल होता है W/W। और मैंने आपको बताया था जब भी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता दी गई है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यदि हम नाइट्रिक अम्ल के इस बिलियन का 100 ग्राम लें, 100 ग्राम जली बिलियन लें, तो इसमें 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल जो विलेय है वो घुला होगा या उपस्थित होगा। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें मिल जा रही हैं कि जब हमको बिलियन के द्रव्यमान की जरूरत होगी तो हम 100 ग्राम रख लेंगे और जब हमको विलेय के द्रव्यमान की जरूरत होगी तो हम 68 ग्राम यूज कर पाएंगे। दोस्तों, आपको एक फार्मूला पता होगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान, या फिर आपको पता होगा N=W/m, या फिर आपने इसको ऐसे पढ़ रखा होगा कि किसी पदार्थ का जब मोलों की संख्या निकालनी हो तो पदार्थ की मोलों की संख्या बराबर होती है उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमने विलेय की बात कर रखी है तो इसलिए मैंने यहाँ पर विलेय लिख दिया है। अब विलेय का ग्राम में द्रव्यमान यहाँ पे हमको मिल चुका है 68 ग्राम, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 68 और विलेय का मोलर द्रव्यमान हम निकाल कर यहाँ पे रख देंगे तो 63 ग्राम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विलेय यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल है वही विलेय है, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कैसे। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आप जानते हैं नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3, यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमको मिला है 63 ग्राम। इस प्रकार हमने विलेय के मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त होगी और यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद हमको मिला है विलेय के मोलों की संख्या 1.07 मोल, यानी 1.07 मोल। तो इस तरह हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। अब यदि विलयन का आयतन प्राप्त हो जाए तो फिर हम इस मोलरता वाले फार्मूले में दोनों वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर देंगे। तो फिर यहाँ पर दिक्कत वही है कि विलेय का आयतन तो दिया नहीं गया है, तो कोई तरीका तो दिया गया है क्वेश्चन में जिससे हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है विलयन का घनत्व और इसका यूज करके हम लोग आयतन को निकालेंगे। आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि विलयन का आयतन बराबर
विलयन का द्रव्यमान अपान विलयन का घनत्व। या आपने ऐसे पढ़ रखा होगा कि किसी भी पदार्थ का आयतन होता है बराबर होता है उस पदार्थ के द्रव्यमान अपान उसके घनत्व के। तो यहाँ पे हमने बात विलयन की है, इसलिए हमने यहाँ पे विलयन शब्द को लगा दिया है। अब विलयन का आयतन हमको निकालना है, विलयन का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो चुका है 100 ग्राम जो अभी हमने 68% से निकाला था, और विलयन का घनत्व सीधा हमारे क्वेश्चन में दिया गया था 1.504 ग्राम पर ml। यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान कैसे हमने प्राप्त किया है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रिक अम्ल के विलयन के बारे में लिखा गया है तो वो लिखा गया था 68% जली विलयन, जहाँ से हमने ये निकाला था कि नाइट्रिक अम्ल का जो विलयन है ये 100 ग्राम है और इसमें नाइट्रिक अम्ल की मात्रा 68 ग्राम है। तो यहाँ से हमको विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हुआ है। अब यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है 66.49 ml। तो इस प्रकार हमको विलयन का आयतन मिलीलीटर में मिला, लेकिन हमको लीटर में चाहिए था तो इसलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये ml जो है ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसराइट हो गया है, आप इसको लीटर लिख देंगे 1000 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है इसको, तो आ गया है आपका 0.0665 लीटर। अब यदि हम इन दोनों मान को यूज करके मोलरता को निकालें तो हमारे पास फार्मूला है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है 1.07 मोल और विलयन का आयतन हमको प्राप्त हो चुका है 0.0665 लीटर। और इन दोनों वैल्यू को पुट करके जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है 16.23 मोल पर लीटर, या इसको आप मोलल भी कह सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। यदि आप कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो से संबंधित अपने विचार को लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ।